हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल 6.3। गिवन इन फिगर 6.11 आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन वन डायमेंशन। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब देखो, मान लो ये पहला डायग्राम है, ठीक है, तो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का, और यहां पे क्रॉस किया हुआ है। ये क्रॉस डिनोट करता है कि ये क्या है, हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ई। ठीक है, चलो, इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन्स इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे कोई आपको हर ग्राफ में ऐसा कोई रीजन दिखता है कि जहाँ पे पार्टिकल कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा, वहाँ पे पार्टिकल रह ही नहीं सकता, तो अगर ऐसे कोई रीजन है तो वो हमें दिखाने हैं। ठीक है, चलो, तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक चीज याद रखो कि कोई भी पार्टिकल हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती ना, काइनेटिक एनर्जी होती है ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अब E इज इक्वल टू के प्लस वी। अगर k को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? E माइनस वी इज इक्वल टू के। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है इफ वी नीड टू मेक काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। k की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी ये फॉर्मूला में? जब E ग्रेटर देन V होगा, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो ही आपको पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी जो ज्यादा हो गई तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो अब आपको ग्राफ में ऑब्जर्व ये करना है कि अगर कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है टोटल एनर्जी से, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ये केस में पार्टिकल एग्जिस्ट कर पाएगा, है ना। E बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़े में से अगर छोटी वैल्यू माइनस होगी तो ही काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। ठीक है, चलो, तो E की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो अब देखो, यहां पे इन द रीजन टू O टू A, ये जो रीजन है ना, ये रीजन में पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, और टोटल एनर्जी जहां पर भी दी वहां पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देने की। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने? लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब क्या होगा कि भाई बिटवीन रीजन जीरो टू ए, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो, और काइनेटिक टोटल एनर्जी है ये। मतलब इतने रीजन में टोटल एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है। टोटल एनर्जी ज्यादा है तो जीरो टू ए में वो एग्जिस्ट कर पाएगा, जीरो टू ए में वो एग्जिस्ट कर पाएगा। After A, पार्टिकल जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कम हो गई, है ना, तो ये रीजन में A के बाद वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरे ग्राफ में क्या है? चलो, तो सबसे पहले आपको ये E की जो लाइन है वो ड्रॉ कर देनी है, तो पता चले कि E यहां पे है। अब पार्टिकल एग्जिस्ट कहाँ करेगा? अगर आपकी टोटल एनर्जी ज्यादा है तो ही एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पे देखो, सारे रीजन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू ई, है ना, ई की कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो यहां पे एक भी रीजन में पार्टिकल कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो, नेक्स्ट, यहां पर भी हम क्या करेंगे? अब ई का एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो,
हमारा रूल क्या है कि भाई जहां पे ई की वैल्यू वी से ज्यादा है वहां एग्जिस्ट करेगा। तो ये माइनस इनफाइनाइट से जीरो ये जो रीजन है उतना वहां पे वी की वैल्यू ज्यादा है तो यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। जीरो से ए में भी इतने रीजन में भी देखो वी की वैल्यू ज्यादा है तो यहां पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट यहां पे ए टू बी में वी की वैल्यू ये है और ई की वैल्यू ये है तो यहां पे एग्जिस्ट करेगा, इसके बाद भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब फाइनल एंड लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम। यहां पे ई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई की ये जो लाइन है इसको ऐसे लंबी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब माइनस इनफाइनाइट से लेके ये कौन सा एरिया है, माइनस बी बाय टू, इतने एरिया तक अगर आप देखने जाओ तो माइनस इनफाइनाइट से बी बाय टू में ये ब्लू लाइन आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कम है और टोटल एनर्जी ज्यादा है ना। तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस बी बाय टू के बीच में जितना भी रीजन है वहां पे एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक है, अब माइनस बी बाय टू से माइनस ए बाय टू, इतने रीजन में अगर देखने जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, टोटल एनर्जी कम है, तो इतने रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। माइनस ए बाय टू से ओ, इतना रीजन देखो, या माइनस ए बाय टू से पूरा प्लस ए बाय टू देखो, तो माइनस ए बाय टू से प्लस ए बाय टू में टोटल एनर्जी यहां है और पोटेंशियल एनर्जी नीचे है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम है टोटल एनर्जी ज्यादा है, तो माइनस ए बाय टू से प्लस ए बाय टू में एग्जिस्ट कर पाएगा। यहां पे क्या होगा, एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि माइनस ये प्लस ए बाय टू से बी बाय टू, इतना रीजन, अब इतने रीजन में देखो तो भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, टोटल एनर्जी कम है, तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। और यहां पे देखने जाओ तो इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, टोटल एनर्जी ज्यादा है, तो यहां पे एग्जिस्ट कर पाएगा, है ना। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ग्राफ प्लॉट करके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पेज पे अच्छा सा ग्राफ ड्रॉ करके क्या रीजन नहीं समझ में आ रहा वो पूछ सकते हो आप। चलो नेक्स्ट, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 6.4। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई अब ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या है, ये हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 11th के पार्ट 2 में आएगा, तुम्हारे सबसे जो दो सेकेंड लास्ट चैप्टर है उसमें आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं अभी तुमको ब्रीफली समझा देता हूं कि भाई क्या होता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब व्हेन अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट सम पॉइंट बिटवीन सम टू पॉइंट्स, ऐसे ऑसिलेट करता है तो उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक ही मोशन वो बार बार करता रहे वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अभी इतना ही समझ के रखो, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। सो यू आर गिवन अ ग्राफ ऑफ वी ऑफ एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है और ये ग्राफ हमें दिया है ऐसे। ठीक है, चलो काइंड ऑफ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक। फाइंड क्या करना है, चलो हियर द पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ एक्स इज गिवन बाय के एक्स स्क्वायर बाय टू, वेयर के इज द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर एंड द वैल्यू ऑफ के इज गिवन बाय 0.5 न्यूटन पर मीटर। द ग्राफ वी ऑफ एक्स वर्सेज एक्स इज शोन इन फिगर शो दैट अ पार्टिकल हैज अ टोटल एनर्जी 1 जूल। अभी तुमको टोटल एनर्जी ई दे रखी है, कितनी, 1 जूल, मूविंग अंडर दिस मच पोटेंशियल एनर्जी, मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट इज रीचेस एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 मीटर। इन शॉर्ट,
अब मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई तुम्हारा पार्टिकल जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? ये होता है कितनी पोटेंशियल एनर्जी से करता है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी से मोशन कर रहा है। वो पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी है? 1 जूल। तो हमें यह प्रूव करना है कि हमारा जो पार्टिकल है ये ओरिजिन है। तो अगर यहां पे गया तो ये डिस्टेंस होगा +2 मीटर और ये डिस्टेंस होगा -2 मीटर। मतलब वो कह रहा है कि वो जहां से वापस मुड़ जाता है ना। ओके, सो इन दैट केस वी कैन से सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द केस एट विच पार्टिकल इज टर्निंग बैक। मतलब पार्टिकल जब यहां पे ये यहां पे एक्सट्रीम पोजिशन पे होगा ना, तब की बात करते हैं। इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजिशन। सो व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजिशन, when particle is at extreme position its velocity will zero। extreme position पे always velocity zero होती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद particle यहां पे जाएगा तो momentarily उसकी velocity zero होगी, फिर यहां पे जाएगा velocity zero, फिर यहां पे आएगा। तो ये point पे velocity zero होती है। अब हम formula apply करते हैं, E = K + V। ठीक है, सो E की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी वो है 1। काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि ये पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो 1/2 mv² में वेलोसिटी 0 रख दो। प्लस V, V की जगह डाल दो kx² / 2। सो दिस विल गिव यू 1 = kx² / 2। सो x² = 2/k। सो x² = 2/k, k की वैल्यू होगी 0.5। ठीक है, सो x² आएगा 4, अंडर रूट निकालने से मिलेगा x + or - 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, दिस इज द 2, 4 का अंडर रूट हो जाएगा +or - 2, दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सम नंबर 5। द कैसिंग ऑफ अ रॉकेट इन अ फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, मान लो कि भी एक रॉकेट है, इसका जो कैसिन है ये बर्न हो रहा है। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, एट हूज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑप्टेन। अब ये जल रहा है, मतलब ऑब्वियसली हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल पता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन मोड टू अनदर मोड। ये हीट एनर्जी है तो ऑब्वियसली किसी और एनर्जी में से ही कन्वर्ट होके यहां पे आई होगी। तो यहां पे क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि एट हूज एक्सपेंस द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन। कौन इसको ये हीट एनर्जी दे रहा है? द रॉकेट और द एटमोस्फियर, है ना? रॉकेट दे रहा है कि एटमॉस्फेयर दे रहा है? तो ऑब्वियसली चीज है कि यहां पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, E = mc². अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला ये कहता है, ऑब्वियसली फॉर्मूला तो हम सबने पढ़ा है, पर ये कहता क्या है? इफ देयर इज अ मास देयर शुड बी सम एनर्जी। अगर मास है तो एनर्जी होगी ही होगी। ठीक है, क्या है? मास है तो एनर्जी होगी। अब यहां पर आपकी कैसिंग जल रही है तो ऑब्वियसली उसका मास कम होगा, उसका मास कम होगा तो यहां पे एनर्जी भी वो लॉस करेगा, तो ये हीट एनर्जी में एनर्जी लॉस हो रही है। तो मास किसका कम हुआ? रॉकेट के कैसिंग का। सो यहां पे ये जो है इट इज द एक्सपेंस ऑफ रॉकेट इटसेल्फ, नॉट एटमॉस्फेयर। रॉकेट की ही एनर्जी ये आपको बर्न में हीट एनर्जी में मिल रही है। ठीक है, नाउ पॉइंट बी, कॉमेट्स मूव अराउंड द सन। अब देखो ये मान लो कि आपका सन है,
एंड कॉमेट्स आर मूविंग अराउंड द सन, दिस इज द कॉमेट। ठीक है, कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं करते प्लैनेट्स, सैटेलाइट जो भी है वो ऐसे एलिप्टिकल मोशन करते, दिस टाइप ऑफ शेप इज नोन एज एलिप्टिकल शेप। और सन जो है वो कभी भी एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होगा, वो एकदम ऐसे कॉर्नर में होगा। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये मैंने बस विजुलाइज करके दिखाया। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी इन जनरल। मान लो कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में फोर्स जो है वो सेंटर में लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, और मान लो कि पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी टेंजेंट होता है ऐसे, सो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 का एंगल बनता है। यहां पर भी फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 का एंगल बनता है, तो सर्कुलर मोशन में हर बार फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 का ही एंगल बनता है, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90 होगा, क्योंकि जहां वेलोसिटी है वहीं पे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हर पॉइंट पे 90 का ही एंगल बनेगा, तो वर्क डन जीरो होता है इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। बट ये सर्कुलर नहीं, ये एलिप्टिकल है। और क्वेश्चन में ये बोला कि यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी है उसके बीच में 90 का एंगल हर बार नहीं बनता। येट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एवरी कंप्लीट ऑर्बिट कॉमेट इज जीरो। सो फॉर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट वर्क डन इज जीरो। ये कैसे हो रहा है, मैं प्रूफ करना है, क्योंकि वर्क डन जीरो होने के लिए तो हमने देखा भाई एंगल 90 हो तो वर्क डन जीरो हो सकता है, बट यहां पे तो वो भी नहीं हो रहा, हर बार नहीं हो रहा। तो बोल रहे कि पूरी कंप्लीट ऑर्बिट के लिए, पूरा यहां से घूम के यहां पे आएगा तो टोटल वर्क डन जीरो हो रहा है। क्यों? तो यहां पे जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। हियर द फोर्स इज ग्रेविटेशन फोर्स। यहां पे जो फोर्स है वो कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स है। एंड वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। एंड वर्क डन फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये याद रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड के केस में कंप्लीट साइकिल पे वर्क डन जीरो ही होता है, और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, इसलिए यहां पे वर्क डन जीरो होता है भले एंगल 90 नहीं है फिर भी। चलो तो अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट सी। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ वेरी थिन एटमोसफियर loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance. However, small. मतलब ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट ऐसे revolving, it revolves around the earth. During this revolving motion, सैटेलाइट इज लूजिंग सम ऑफ द एनर्जी। सैटेलाइट लूजिज सम एनर्जी, भले थोड़ी कम बट कर रहा है। देन व्हाई डज इट्स स्पीड इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली एट इट कम्स क्लोजर टू द अर्थ। सैटेलाइट जब भी अर्थ के पास आएगा ना तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है फिर भी वो अर्थ के पास आएगा तो अपनी स्पीड बढ़ा देगा। क्यों? तो इसके पीछे के दो रीजन है। एक जो मेन रीजन है वो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये कंसेप्ट से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो यहां पे हम लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज
द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. कैसे भाई? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू एम जी एच, है ना, एम कॉन्स्टेंट जी कॉन्स्टेंट, जो भी है तुम्हारी हाइट है, यहां पे अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पे अलग होगी, यहां पे अलग होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. तो यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है. नाउ ई इज इक्वल टू के प्लस वी. तो अगर यहां पे सैटेलाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है. अब टोटल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? कम. तो यहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. बट वही सैटेलाइट अगर यहां पे आ गया तो डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ई की वैल्यू हमें कॉन्स्टेंट रखनी है. दैट्स द रीजन. ठीक है, चलो. नाउ पॉइंट डी. इन फिगर वन द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग मास ऑफ 15 किलोग्राम ऑन हिज हैंड्स. ठीक है, तो अगर यहां पे हम डायग्राम देखें तो ये रहा हमारा डायग्राम. ऐसे हाथ में रख के पर्सन जो है वो आगे चल रहा है. ठीक है, आई एम ड्रॉइंग द ऑलमोस्ट डायग्राम ओवर हियर, नॉट एग्जैक्टली. ठीक है, दिस डिस्टेंस ट्रैवल इज अ 2 मीटर एंड इन सेकेंड डायग्राम ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम. तो अब क्या कर रहा है कि वो रोप जो है ऐसे पुली में से पास हो रही है. ठीक है, ये भी 15 किलोग्राम है, ये भी 15 किलोग्राम है ना. ये केस में फोर्स यहां पे अप्लाई हो रहा है, ये केस में फोर्स यहां पे ये डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. ठीक है, और डिस्टेंस 2 मीटर ही वो कवर करता है. द रोप गोज ओवर अ पुली एंड अ मास ऑफ 15 किलोग्राम हैंग्स एट इट्स अदर एंड. इन व्हिच केस इज द वर्क डन ग्रेटर. कौन से केस में हमारा वर्क डन ज्यादा होगा? ठीक है, चलो. तो देखो, यहां पे बोला नहीं है किसका वर्क डन, क्योंकि यहां पे दो फोर्स लग रहे हैं. एक जो हम लगा रहे हैं ये एफ एक्सटर्नल, और एक फोर्स जो है वो ग्रेविटी लगा रही है. ठीक है, अब देखो यहां पे अगर कैलकुलेट करें वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, क्या कैलकुलेट करते हैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी. तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. पहले केस में ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? यहां पे. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बना? 90. तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90. सो दिस वर्क डन इज जीरो. अब ये केस में देखो, अगर फोर्स आगे लग रहा है तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? नीचे, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? नीचे. सो यहां पे वर्क डन हो जाएगा एफ डी कॉस 180, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है. सो वर्क डन इज माइनस एफ डी. तो यहां पे एफ की वैल्यू डाल दोगे तो एम जी, और डिस्टेंस हमारा है 2 मीटर. ठीक है, एम की वैल्यू डाल दो, आपको 15 किलोग्राम दिया है, तो 15 × 9.8 × 2, दिस विल गिव यू द माइनस 294 जूल. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. चलो, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सम नंबर 6. अंडरलाइन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क. ठीक है,
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज डिक्रीजेज और रिमेन अनऑल्टर्ड। भाई एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल दे दो, तो भाई एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है ग्रेविटेशन फोर्स। उसका एक एग्जाम्पल क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स क्या काम करता है? तो चलो, कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे लग रहा है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये केस में वर्क डन आपका पॉजिटिव हो रहा है। अब नीचे आएगा तो डिस्टेंस कम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू एम जी एच में डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इवेंचुअली आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जब पॉजिटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? डिक्रीज होती है। कैसी होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। चलो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, हम उसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। अब ऑब्वियसली फोर्स लगाओगे और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहीं पे हो रहा है, फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऑपोजिट में। फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिस द मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है? ऑलवेज मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो मोशन को अपोज करेगा तो क्या डिक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्या डिक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी। चलो सी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स और सम ऑफ द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, चलो तो मान लो कि एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ऑब्वियसली सब में मोमेंटम चेंज हो रहा है। यहां पे ये पूछा कि ये केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब dp बाय dt, रेट ऑफ मतलब टाइम रेट, मतलब dp बाय dt क्या होता है? f, जो कि हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। अब वो पूछे कि ये जो फोर्स है या फिर dp बाय dt, दोनों सेम ही चीज है, ये किसकी वजह से होगा? ये मोमेंटम, ये पार्टिकल के मोमेंटम जो एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं बार बार, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कि इंटरनल फोर्स की वजह से? तो आंसर आएगा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, रीजन, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस, याद रखना ऑलवेज इंटरनल फोर्सेस का टोटल क्या हो जाता है? जीरो। सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते ही जाएंगे तो उनका टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। इंटरनल फोर्स लगता है पर टोटल करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या? सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स। चलो डी, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन आर द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी। तो यहां पे हमें पता है कि इलास्टिक और इन इलास्टिक में क्या डिफरेंस होता है, कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होता है, इसमें नहीं होता है। दोनों में मोमेंटम कंजर्वेशन होता है और टोटल एनर्जी कंजर्वेशन भी दोनों में होता है। सिर्फ इसी पॉइंट से आप दोनों को डिफरेंस कर सकते हो। यहां पे ये पूछा है कि दोनों में से कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, तो ये दोनों चेंज नहीं होते, तो आंसर आएगा मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी, जबकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, सम नंबर 6 तक, है ना। If you are having any doubt, you can ask me in the message section. Thank you very much, my dear students.